चंबा में मनोहर की हत्याकांड के मामले में बिलासपुर में हिंदू परिषद व विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा भारी संख्या में इकट्ठे होकर तेज बारिश के दौरान बिलासपुर के कॉलेज चौक से चेतना चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई और खूब नारेबाजी की गई। ये रैली हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम व विभिन्न हिंदू संगठनों के तत्वाधान में निकाली गई। वहीं पर कमल गौतम ने दो टूट में कहा कि जिस तरह चंबा में मनोहर के शरीर के 8 टुकड़े कर जघन्य हत्याकांड किया गया, इस मामले में उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन दोषियों ने ये कृत्य किया है उन्हें 90 दिनों के अंदर फास्ट ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना देवभूमि हिमाचल में सहन नहीं होगी। उन्होंने सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हिमाचल में लव जिहाद कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। इस मामले में अगर सरकार व पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मामले पर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आज जिला मुख्यालय बिलासपुर पर संपूर्ण हिंदू समाज एकत्र आया है। चंबा में जो एक दलित नौजवान मनोहर के 8 टुकड़े करके उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में आज संपूर्ण हिंदू समाज यहां इकट्ठा हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस कुकृत्य को किया है उनको 90 दिन के भीतर फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए और उनको इस हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी जाए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए देवभूमि हिमाचल में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी, यदि ये जो बाहर से आने वाले लोग हिमाचल का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता को लेकर के जो लोग यहां आकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, यदि सरकार उनको नहीं रोकती है तो हिंदू समाज अपने आप रोकने में समर्थ है, सक्षम है। और जब हम रोकने पर आएंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं इस्लामिक जिहाद से हिमाचल प्रदेश की जनता 0 टॉलरेंस के साथ निपटेगी। आपको बता दें कि चंबा में मनोहर की हत्या के कांड के मामले में बिलासपुर में हिंदू परिषद व विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा भारी संख्या में इकट्ठे होकर तेज बारिश के दौरान बिलासपुर के कॉलेज चौक से चेतना चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन दोषियों ने ये कृत्य किया है उन्हें 90 दिनों के अंदर फास्ट ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या गौर करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।